आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। इसी वजह से आए थे हम लोग, जिस वजह का मामला क्या कीजिए। लगातार साल भर से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी और सीमांचल के सभी शिक्षक जो हैं मदरसा बोर्ड के, वो भी इस जुगत में थे कि कब उनके चेयरमैन साहब उनके बीच पहुंचे और कुछ अच्छी बातें कहें। इसी इंतज़ार में आज के दिन ये पूर्णिया का सीमांचल मदरसा बोर्ड का हेड क्वार्टर है, यहाँ पर चेयरमैन साहब आए। हालांकि लोगों की नाराज़गी उनके कानों तक शायद पहले पहुँच गई थी, इसलिए वो यहाँ रुकना लाजमी नहीं समझ रहे थे। यहाँ के लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया, उनके गाड़ियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। आनन फानन में चेयरमैन साहब इसी गेट से अंदर मदरसा के प्रवेश किए, काफ़ी देर वो इंतज़ार किए अंदर। मीडिया वाले उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को यहाँ आना पड़ा, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया कि हाँ अब मीडिया से वो बात कर सकते हैं, चूँकि प्रशासन की चाक चौबंदी के बीच वो यहाँ पर थे। लेकिन प्रशासन को देखने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी और वो सीधे गाड़ी में बैठ कर दनादन यहाँ से निकलते बने हैं। और आरोप यहाँ पर जो लग रहा है इन पर, ये काफ़ी गंभीर है। कई सारे आरोप हैं, इसमें जो सबसे मुख्य आरोप है कि इस मदरसा बोर्ड के कार्यालय में जितने भी अधिकारी बैठे हैं, ये सब के सब अब्दुल कयूम अंसारी जो चेयरमैन हैं उनके रिश्तेदार हैं। कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई साला है, यानी कि जो आला अधिकारी जितने भी इस चेयरमैन के हेडक्वार्टर वाले कार्यालय में, सब के सब उनके अपने सगे संबंधी हैं। सीमांचल के किसी भी लोगों की उनमें बहाली नहीं हुई है। साथ साथ शिक्षकों का ये भी रोष है कि तकरीबन 11 करोड़ की राशि साइंस शिक्षकों के लिए आई थी लेकिन बावजूद उसके 6 महीने लग गए, 90 शिक्षकों तक उनकी सैलरी ठीक से नहीं पहुँच पाई है। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि वो मदरसा के ज़मीन के ट्रस्टी हैं, उन्हें जब वहाँ बुलाया जाता है तो किसी और से पैसे लेकर ट्रस्टीशिप किसी और को दे दी जाती है और उस मदरसा के जो ज़मीन के ऑनर हैं उन्हें मार पीट करके, गाली गलौज करके भगाया जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों का गुस्सा था। मदरसा बोर्ड ने 2 दिन पहले मीटिंग भी रखी थी, जब मीडिया में ये फ्लैश हुआ तो चेयरमैन साहब पूर्णिया पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो भी हुआ वो हमारे कैमरे में कैद हो चुका है। आप देखिए तमाम खबरें बड़ी बड़ी जो यहाँ पर हुई है, जो विरोध हुआ है, जो लोगों का आरोप है और किस तरह से चेयरमैन साहब इस मदरसा से दुम दबाकर भागे हैं। SGN न्यूज़ पर आप बने रहिए और देखिए तमाम पूरी खबरें को। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी बोला सीमांचल पिछड़ा इलाका है, यहाँ रीजनल सेंटर खुलनी चाहिए। तो मैं नीतीश कुमार जी का सम्मान करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ और मैंने वोट भी उन्हीं को दिया था जो फैक्ट है। रही बात ये सीमांचल के एक भी लड़कों की बहाली नहीं हुई है। मैं अध्यक्ष महोदय से 2 मरतबा मिला जाकर के पटना बोर्ड में और उन्होंने मेरे कागज को फेंक दिया और कहा किसी का बपोती नहीं। मैं कहा अध्यक्ष महोदय ये सीमांचल का गरीब लड़का इलाका का है लेकिन ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, अपने मेहनत की कमाई खाता है, किसी के बाप का कमाई नहीं खाता है। ये जो पिछड़ा इलाका है इस इलाके के लड़कों की बहाली कीजिए, अब बहाली नहीं कीजिएगा तो इस इलाके का लड़का कहाँ जाएगा। ये हमारे हाथ में जो लिस्ट है अध्यक्ष, ये मैं बताता हूँ अध्यक्ष महोदय के खास खास आदमी का है और मैं आपको काउंटिंग कराना चाहता हूँ। नंबर 1 मोहम्मद शाहिद अंसारी जो अध्यक्ष महोदय के बेटा है। नंबर 2 मोहम्मद चीफ सेक्रेटरी। मोहम्मद 2 मोहम्मद मुजाहिद अंसारी जो
सिक्रेटरी साहब के बेटा है, नंबर तीन नफीज अंसारी जो अध्यक्ष महोदय के दामाद है, नंबर चार अब पूर्णिया आइए, पूर्णिया में मोहम्मद इरशाद जो भतीजा है, खास भतीजा, नंबर अब आ जाइए कितना हो गया, छः पाँच, मोहम्मद अख्तर जो खास साला है, अब आ जाइए शम्स जो रिलेशन में आता है, क्या भाई ये सीमांचल के जो है हिंदू मुस्लिम ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार को यही लिए वोट दिया था जो यूपी के बॉर्डर के इलाके का लड़का सिवान का छपरा का ये सब कोटन बाहर का भाई मैं नहीं है, तू ये रिपोर्ट आप देख लीजिए महोदय, ये इलाके का लड़का इसलिए वोट दिया था नीतीश कुमार को जो बाहर के लड़का को दिया जाए। मैं नीतीश कुमार से निवेदन करता हूँ, अध्यक्ष साहब से भी निवेदन करता हूँ, पुनः ये बहाली को डिसॉल्व किया जाए और एक नए सिरे से बहाली किया जाए। मैं बहाली के बारे में मैं गया था और उन्होंने एक्शन नहीं लिया, मेरे कागज को फेंक दिया, क्या साहब मैं पढ़ा था इसीलिए, मैं पढ़ा था इसीलिए के तो उसके बाद इतने नहीं है। साइंस टीचर मदरसा अंजुमन इस्लामिया पूर्णिया, ये अक्टूबर 2019 में 11,63,00,000 रुपया ये रिलीज हुआ चूँकि साइंस टीचर के पेमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ 90 टीचर का इनको पेमेंट करने में 6 महीना लग जाते हैं और ये जब तक यूसी नहीं भेजेंगे इनका जो सैलरी मद में 6,09,00,000 रुपया था ये अब तक ये इनको खर्च नहीं कर पाए हैं, और जो 5,67,00,000 रुपया है जो कि कंस्ट्रक्शन है या कंप्यूटर इसमें है, चूँकि ये प्रचार में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इसका खर्च कर यूसी नहीं भेजने, जिससे मदरसा साइंस टीचर को अब तक की सैलरी नहीं मिल पाई है। इस चीज़ का विरोध आप लोग कर रहे हैं, कितने लोग होंगे अभी आप लोग जो विरोध कर रहे हैं? 25-30 लोग अभी, चूँकि अचानक जो है प्रोग्राम बना इसलिए जो है जो आसपास के लोग, चेयरमैन साहब अभी क्या कह रहे हैं आप लोगों ने घेरा था तो? चेयरमैन साहब जो है पिछले एक साल से बोल रहे हैं कि 1 महीना में मिल जाएगा, जुलाई में मिल जाएगा, अक्टूबर में मिल जाएगा, कुछ भी जवाब नहीं मिला है, लेटर नहीं देते, 999 हमको बुला करके ये मारपीट किया है चेयरमैन, लेटर है चेयरमैन ने गाली गलौज दिया, लपट लपट चलाया, क्यों मार पीट के बेइज्जत कर दिया, प्रबंध समिति के लिए बुलाया, जमीन 40 साल से मदरसा समिति है, जमीन जाकर देखिए नहीं तो हमको जमा कर दीजिएगा, अभी दूसरे को दे दिया 5,00,000 ले लेकर के दूसरे को दे दिया, जमीन किसकी हो मदरसा, जमीन हम दिए, 6 बीघा का प्लॉट है उसमें 10 कट्ठा काट कर दिए हैं, अभी उस जगह 6 प्लॉट 40 साल से जमीन है, कौन सी मदरसा है वो, चप्पल फकरूर आलम चपाड़ी 999 989 मदरसा नंबर, इन्होंने क्या किया है उस मदरसा, ये दूसरे आदमी को दे दिया लेटर, हम बताते मदरसा इस्लामिया फकरूर आलम चपाड़ी मदरसा नंबर 989 14 जनवरी 2019 को 20 को जो है इनको बुलाया गया, वहाँ लेटर है बजप्ता, लेटर के द्वारा दो पार्टी का मक चल रहा है, एक तो गलत ढंग से ट्रस्ट बना के दिया यो, और इनका अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जिनका जिनका अपना अपना ज़मीन है वो ट्रस्ट बना करके मदरसा को जमा करें, मदरसा बोर्ड को हम उनको प्रबंध समिति अध्यक्ष और समिति उनका दिया जाएगा, जो उनका हक है उनको दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने जब लेकर के गया सारा कागज़ भूस्वामी वगैरह जो जिस चीज़ का डिमांड किया गया था बाय नोटिफिकेशन, ये लेके गए, इनको जो है लेटर के द्वारा बुलाया गया दोनों पक्ष को, एक वो जिन्होंने ज़मीन नहीं दिया, एक वो जिन्होंने ज़मीन दिया कमरुज्जमा, दोनों को बुलाया गया, दोनों पक्ष का वहाँ कागज़ जमा किया गया, दोनों को बुला करके एक पक्ष को कुर्सी पर बाइज्जत बैठाया गया और बैठा करके उनको चाय पानी पिलाया गया, जैसे ये अंदर ऑफिस गए हैं इनको बस लपड़ थप्पड़ देना शुरू कर दिया, गाली गलौज देना शुरू कर दिया, 420 है ये इन्हीं के साथ नहीं, ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं और भी लोगों के साथ किया है, और वो मौलाना नहीं आए हैं बेचारा, इसी यही जो यहाँ पर जो रूम लिया है नैयर साहब का रूम, वहाँ पर बुला करके बेइज्जत कर रहे हैं, हम तो आम आदमी हैं, इनके भतीजा हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला है, इसके लिए भी आए हैं, ये जितने लोग हैं अभी आप लोग मदरसा से जुड़े हुए हैं, सभी लोग मदरसा से जुड़े हुए हैं, किसी को कोई साइंस टीचर है, कोई मदरसा से बाहर का लोग है, बहुत लोग मदरसा से बाहर का लोग है जिन्होंने जिनका यहाँ बहाली नहीं किया गया, बाहर के मेरे पास वो लेटर है कि ये लेटर निकाला बहाली के लिए, वो लेटर पर ये नहीं किया गया, बहाली नहीं लिया और इसका एप्लीकेशन नहीं लिया गया, आउटसोर्सिंग पर लोग को रख लिया। आइए
Mortal! Mortal! Mortal!